हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के किलों और महलों में कई सालों की इतिहास मौजूद है। ये देश जितना ही ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य से डूबा हुआ भी है। देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगह भी है जिनमें कई अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। आज मैं आपको भारत की ऐसी 10 जगहों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही रहस्यमय और भूतिया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, बाणगढ़ का किला। ये जगह राजस्थान के अजबगढ़ में आई हुई है। इस किले को राजस्थान की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। जंगलों के बीच मौजूद इस किले के डरावने होने के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक जादूगर बाणगढ़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था और काला जादू करके वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। ये बात जानने के बाद राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने साफ दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएगी और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। कहा जाता है कि इस वजह से आज भी उस किले में उनकी आत्माएं भटकती है। नंबर 2, डुम्बस बीच, गुजरात। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डुम्बस बीच पर्यटकों के लिए काफी खास जगह है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी। इसी समय ये जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। नंबर 3, डिसूजा चौल। ये जगह मुंबई के महिम में आई हुई है। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती रहती है। ये करीब 25 साल पहले इस चौल में रहती थी और एक रात कुएं से पानी निकालने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और मर गई। फिलहाल अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि तब से उसकी आत्मा इस चौल में घूमती रहती है। नंबर 4, शनिवारवाड़ा का किला। ये जगह भारत के पुणे में आई हुई है। आप सबने शनिवारवाड़ा किले का इतिहास तो सुना ही होगा, लेकिन ये जगह अब हॉन्टेड हो गई है। इस किले में कई बार लोगों की कहराने की और तड़पने की आवाजें सुनाई देती है। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नाम के बच्चे की उसकी चाची की कहे जाने पर हत्या कर दी गई थी। ये बच्चा सारे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसलिए हत्यारों ने इस बच्चे को ढूंढ कर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि आज भी इस बच्चे की चिल्लाने की आवाजें उस किले से कभी कभी आती रहती है। नंबर 5, जीपी ब्लॉक। ये जगह मेरठ में आई हुई है। इस इलाके के बारे में कई बातें सामने आई है। कोई कहता है कि यहाँ पर लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत बिल्डिंग से ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिखाई देती है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्महात्म्य मोमबत्ती लेकर कई बार देखी गई है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया है। नंबर 6, वृंदावन सोसाइटी। ये वृंदावन सोसाइटी थाने में आई हुई है। माना जाता है कि कभी किसी आदमी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, इस वजह से यहाँ पर उसकी आत्मा का साया रहता है। नंबर 7, बॉम्बे हाईकोर्ट। स्थानीय लोगों के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के आसपास का इलाका भी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। यहाँ पर लोगों को कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। नंबर 8, दिल्ली कैंट। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के अनुसार जो भी यहाँ से गुजरता है उन्हें सफेद साड़ी पहन के एक लड़की दिखती है और वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और थोड़े दूर आगे जाते ही वो गाड़ी से उतर जाती है। अगर लोग नहीं रुकते तो वो गाड़ी के साथ भागती है। नंबर 9, रामोजी फिल्म सिटी। ये जगह हैदराबाद में आई हुई है। हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बनकर यहाँ पर भटकती रहती है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां यहाँ पर दिख जाती है और इस जगह को सैनिकों का कब्रस्तान भी कहा जाता है। नंबर 10, राजकिरण होटल, लोनावाला, मुंबई। मुंबई के पास लोनावाला का राजकिरण होटल सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि चर्चा में आने के बाद लोगों को यहाँ नहीं रोका जाता है, लेकिन इससे पहले वहाँ ठहरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि जब होटल के बाहर टहलते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती थी। वहाँ ठहरने वाले लोगों ने बताया था कि सोते वक्त उनके बेड पर से कोई बेडशीट भी खींच लेता था। क्या आपको भूतों से डर लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप और भी रहस्यमय वीडियोस को देख सकें।